अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आशारिफ जावेद, आप देख रहे हैं आशारिफ जावेद फिटनेस। आज की वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो है और इसमें मैं आपको जिस एक्सरसाइज के मिस्टेक्स बताऊंगा वो है आपकी बाइसेप केबल कर्ल्स। इसमें एक्सरसाइज के आपको तमाम मिस्टेक्स इस वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो उस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को मिस्टेक्स स्टार्ट करने से पहले बाइसेप बारबेल कर्ल और केबल कर्ल में दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता दूं मैं। दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों हैं कर्ल मूवमेंट, दोनों में आपका बाइसेप ट्रेन होता है, दोनों आपके कर्ल मूवमेंट है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है वो है आपके रेजिस्टेंस का। अब देखिए रेजिस्टेंस से मुराद जो आप वेट उठाते हैं, जब भी आप डंबल उठाते हैं आपने यहाँ से यहाँ तक आपने अगर डंबल को लिफ्ट करते हैं वेट सेम रहता है, लेकिन जब भी आप इस तरह अगर डंबल को लिफ्ट करते हैं तो जो वेट के जो जोर होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, ना कि आपके इसके ऊपर आने की वजह नीचे तक, तो जो प्रेशर है वो आपके बाइसेप पे कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ हो जाता है डंबल और रोड के अंदर। जब भी आप इस तरह से लिफ्ट करते हैं नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, ना कि आपके रिस्ट के ऊपर। इस तरह से तो आपके बाइसेप पे जोर आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है आप जब भी इससे कर्ल्स लगाते हैं तो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे यहाँ का हो यहाँ का हो यहाँ का हो या बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट का हो रेजिस्टेंस आपका सेम ही रहता है इसके अंदर। बस ये डिफरेंस है इसमें और उसमें। अगर आप काफी टाइम से बारबेल से बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं तो आप स्विच इसके ऊपर कर सकते हैं, काफी अच्छा चेंज आएगा, या अगर आप इससे कर रहे हैं तो आप बारबेल के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तरह तरह की वेरिएशन आपको चेंज करते रहने चाहिए कुछ कुछ टाइम में, ये नहीं कि एक हफ्ता आप इसको कर रहे हैं एक हफ्ता उसे लगाएंगे। तीन चार महीना आपने इसे लगाया, तीन चार महीना आप उसे लगाएंगे, थोड़ा टाइम पीरियड एक एक्सरसाइज को देना पड़ता है जब जाके आपका मसल अच्छी तरह ग्रो करता है। ये नहीं कि आप हर हफ्ते एक्सरसाइज को चेंज करते हैं, पहले ऐसा नहीं करना आपको। अब चलते हैं हमारी मिस्टेक्स की तरफ। सो गाइस सबसे पहले हर बार की तरह इसकी भी पहली मिस्टेक है आपके पोस्चर की। अब इसमें आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, आपके शोल्डर ब्लेड बिल्कुल रिट्रैक्ट होने चाहिए पीछे की तरफ, चेस्ट आपका हल्का सा अप होना चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए यानी न्यूट्रल होनी चाहिए, ऐसे ही मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए वरना लोड आएगा आपकी बैक पे, स्ट्रेट होनी चाहिए और ना बिल्कुल ऐसे ही अंदर ही तरफ ओवर एक्सटेंड होनी चाहिए, ये भी नहीं करना है, न्यूट्रल देखिए न्यूट्रल होनी चाहिए आपकी बैक, बस इतनी। शोल्डर ब्लेड को आप इस तरह से रिट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सब करेंगे आप अपनी रोड को उठाने के बाद। आपने अपनी शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट किया, अच्छा आप अपने नी को बिल्कुल, जो आपके घुटने हैं घुटनों को आप बिल्कुल लॉक नहीं रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, हल्का सा आप यूँ बेंड रखेंगे ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना शुरू करेंगे। ये हो गया आपका पोस्चर। यहाँ पे आपकी दूसरी मिस्टेक आती है आपकी ग्रिपिंग की। जैसे मैं आप लोगों को पहले अपनी बाइसेप वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके रिस्ट अगर आपके शोल्डर आपके इनवर्ट्स रोटेट हुए हुए होंगे, ठीक है, और आपके रिस्ट आपके शोल्डर से अंदर होगी तो आपके लॉन्ग हेड को ज्यादा हेड मिलेगी, ठीक है, और अगर आपकी रिस्ट आपके शोल्डर से बाहर की तरफ होगी तो आपके शॉर्ट हेड को ज्यादा हेड मिलेगी। और जो आपका ये वाला मसल होता है ये आपका जब आप हैमर बेस लगाते हैं जब आपका होता है, आपकी रिस्ट हल्की सी अंदर की तरफ होती है जब होता है ट्रेन। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं शॉर्ट ग्रिप, वो मिडिल ग्रिप के साथ जो हमारे शोल्डर की बिल्कुल सीध में है। इससे क्या होगा हमारे दोनों हेड्स को टारगेट करेगी, लॉन्ग हेड को भी शॉर्ट हेड को भी, ज्यादा हमारे ये अंदर वाले हेड को टारगेट करेगी। उसके बाद मिस्टेक क्या आती है लोगों की, रेंज ऑफ मोशन की। अब रेंज ऑफ मोशन आपका कितना होना चाहिए, आपका रेंज ऑफ मोशन आपके एल्बो इतनी होनी चाहिए कि बिल्कुल आपका ट्राइसेप इन्वॉल्व नहीं, आपकी एल्बो इस तरह से लॉक होनी नहीं चाहिए कि आप नीचे लेकर आपने एल्बो को बिल्कुल भी लॉक कर दिया, नहीं, इस तरह से आपको हल्का सा आपको अपनी एल्बो में बैंड रखना है और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वाले कॉन्ट्रेक्शन के दौरान आपका रेंज ऑफ मोशन इतना रहेगा कि आपको मसल फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो इतना ऊपर आपको लेकर आना है एंड देन स्लोली डाउन अप एंड देन स्ट्रेच, और ऊपर लाते हुए आपकी एल्बो हल्की सी इनवर्ट रोटेट होगी, वो भी रैप के बिल्कुल आखिर के अंदर, बिल्कुल आखिर के अंदर, ये नहीं कि आप बिल्कुल शुरू से ही उसको एल्बो को मूव कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल रैप के एंड के अंदर आपकी एल्बो की मूवमेंट होगी। उसमें एक मिस्टेक और क्या करते हैं, हैवी वेट डालने के बाद जंपिंग करते हैं, ये चीज करते हैं जो कि बहुत गलत चीज है। आप इसमें आपके लेग्स आपकी बैक आपके शोल्डर एल्बो फोर आर्म्स
तमाम मसल आपके इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो एक मसल आपके इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए बाइसेप, वही इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसे लगाने का बेकार है, फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है। फिर तो आप जिम ना ही जाओ तो बेहतर है, अगर आप सही तरीके से लगा नहीं सकते तो। ये एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट है, इसके अंदर आपका बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट है, आइसोलेट मूवमेंट है, कंपार्ट मूवमेंट नहीं है। खाली आपका इसके अंदर एल्बो, आपके एल्बो जॉइंट है, खाली वो मूव हो रहा है इसके अंदर आपका, ठीक है। खाली एल्बो जॉइंट इस तरह से बिल्कुल आप कंट्रोल मैनर में लगाना है, बिल्कुल कंट्रोल वे में। ये चीज आपको कोई उस तरह से जंपिंग करने की जरूरत नहीं है, ओनली इन कंट्रोल मैनर, ठीक है गाइस। गाइस ये कुछ मिस्टेक्स थी केबल बाइसेप कर्ल्स की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना खास तौर पर ख्याल रखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई फिटनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका पता चल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।